कोरोना के दौरान जो हम लोगों ने देखा कि ब्लड की कितनी आवश्यकता है, उस उद्देश्य को देखते हुए जीवन लक्ष्य फाउंडेशन माई राइट्स के द्वारा आज ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है। ये हम दूसरा कैंप आयोजित कर रहे हैं और 200 से ज़्यादा यूनिट का आज कलेक्शन होगा। और जिस तरीके से सबको पता है कि जीवन किसी भी व्यक्ति रक्त किसी भी व्यक्ति का जीवन बचाने के काम में आता है, उसको ध्यान में रखते हुए इस सामाजिक कार्य को इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। इस संस्था के द्वारा और भी बहुत सारे सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम, जो सरकारी स्कूल हैं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ के बच्चों को सर्दी में स्वेटर बांटने का काम है, चप्पल बांटने का काम है, उनको पुस्तकें बांटने का काम है, शिक्षा से संबंधित सभी सामग्रियों का वितरण किया जाता है। उसके अलावा कोई डिप्रेशन में बच्चे हैं या परिवार है तो उनके लिए फ्री काउंसलिंग भी संस्था के द्वारा की जाती है। उसके अलावा वृक्षारोपण के सघन कार्यक्रम संस्था के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। अब तक 10,000 से ज़्यादा वृक्ष ये संस्था लगा चुकी है और उसमें बताने वाली बात है कि 80% से ज़्यादा वृक्ष आज की तारीख में साफ समारे कारण जिंदा है। तो इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों के लिए संस्था का गठन किया गया। नाम विजय गर्ग संस्थापक। जैसे साइंस भी कहता है कि हर तीसरे महीने में आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो एक पद दो काज हो रहे हैं, आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक है और हम संस्था इसके थ्रू ये एक संदेश देना चाहती है कि जीवन दान में रक्तदान बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस यहाँ पे ये हमारा सेकंड शिविर है, दूसरा शिविर। पहले वाले में हमारे पास अराउंड 100 रजिस्ट्रेशन हुए थे जिसमें से 72 यूनिट हमने ब्लड इकट्ठा किया था। इस संस्था की एक मेन चीज़ ये है कि हम बाहर किसी से भी फंड नहीं लेते हैं किसी चीज़ के। जितने मेंबर्स हैं आपस में ही मिलके फंड रेज करते हैं, किसी से कोई डोनेशन हम बाहर से नहीं करते। और इस बार भी हमारा टारगेट ये है कि हम लगभग 200 यूनिट ब्लड एकत्रित करते हैं। पूजा चतुर्वेदी संस्था। जीवन लक्ष्य आयाम हमने इस सोशल कॉज में बहुत अच्छे से हम शने शने प्रगति करते जा रहे हैं और ब्लड डोनेशन कैंप ये सेकंड कैंप है हमारा और हम लोग को लगता है कि ये सोशल अवेयरनेस और हेल्थ के प्रति लोगों को दूसरों के प्रति सेंसिटिव होना, तो ये सारी चीज़ें तो अब ज़्यादा फोकस में हम लेकर आ रहे हैं। बाकी सोशल कॉज के लिए तो हमारी संस्था वैसे बच्चों की एजुकेशन और एनवायरनमेंट इन सब क्षेत्रों में काम कर रही है और उम्मीद है कि लास्ट ईयर जैसे अभी पूजा ने बताया 72 यूनिट्स थे, इस बार हम सोच रहे हैं 200 यूनिट्स हम ब्लड मतलब ये इस कैंप में होएगा और होपफुली ये नंबर आगे आगे और बढ़ता रहेगा। और संस्था से जितने लोग जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा है और लोगों के अपने व्यक्तित्व के लिए भी बहुत अच्छा है कि आप अपन कुछ ना कुछ सामाजिक रूप से समाज को दें। अपना नाम आभा दीक्षित। जीवन लक्ष्य फाउंडेशन और माई राइट फेडरेशन का ये जॉइंट वेंचर है, तो हम पिछले साल भी 28 अक्टूबर 2021 को मिले इसको आयोजित और उसमें हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। 99 हमारे रजिस्ट्रेशन के और 72 हम यूनिट्स कलेक्ट कर पाए। इस बार हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 200 यूनिट हमारा ब्लड इकट्ठा हो पाए और जो अभी तक का रुझान है उससे हमें लग भी रहा है। तो ब्लड डोनेशन कैंप्स जैसा कि विजय जी ने पहले बताया था कि हम लोग बेसिकली कोरोना टाइम्स में जिस तरह से कमी हुई, फिर अभी डेंगू के समय में लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ी और बीच में हमको ये समझ आया कि हाँ ये कैसा कॉज है जिसको हम लोगों की डायरेक्ट हेल्प जिसमें कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब ये तो हमारा क्योंकि हम 2 ही साल से दो बार दूसरा कैंप है हमारा 3 साल हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन को हुआ है और उसमें हम जो मेम्बर्स हैं तकरीबन 2,500 बच्चों तक एजुकेशन के रिलेटेड सामग्रियाँ पूजा किताब कॉपी सब स्वेटर्स वगैरह कम्बल हम परिंदे हम लोगों ने बांधे। मतलब बेसिकली हम एजुकेशन और एनवायरनमेंट की फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं जिसमें स्वच्छता और सारा कोरोना टाइम्स में लगभग 10,000 लोगों तक हमने रेगुलर फूड गवर्नमेंट एजेंसीज और कुछ एनजीओज के साथ मिलकर दिया मास लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करवाए।
कुछ कच्ची बस्तियाँ जो पहले भीख मांगा करती थी वो अब अपने सेल्फ उससे काम कर रहे हैं। अपना ईवन लक्ष फाउंडेशन माई राइट फेडरेशन की तरफ से वित्तीय दिशा शुल्क का आयोजन किया जा रहा है। पिछली बार हमने किया था जब लगभग 72 यूनिट इसमें हुए थे, इस बार लगभग 150 यूनिट की संभावना है। जब कोविड के बाद में लोगों को ज़्यादा वित्तीय स्वास्थ्य के प्रति चेतना जागृत हुई तो हमने भी ये अभियान शुरू किया और भी हम सामाजिक कार्य बहुत सारे कर रहे हैं। जैसे हमारा आगामी प्रोजेक्ट है ओल्ड एज होम बढ़ाने का है, वो जितना जल्दी हो सकेगा उसके लिए भी प्रयास करेंगे और हम सब मिलकर आपस में सामूहिक टीम में सब कार्य करते हैं। आपका नाम? पंडित कुमार। हाँ, पहले आपका नाम इंट्रोडक्शन। मैं अंजू गर्ग जीवन लक्ष्य फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर्स में से। संस्था पिछले 3 सालों से एजुकेशन और एनवायरनमेंट के फील्ड में बहुत काम कर रही है और आज ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है हमारा सेकंड ब्लड डोनेशन कैंप है। इसमें हम ऐसा अनुमान कर रहे हैं कि 150 से 200 के बीच हमारे पार्टिसिपेंट्स इसमें एकत्र हैं।